कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, पाकिस्तान डीपली शॉक्ड। BCCI ने विक्ट्री परेड के लिए पूरे भारत को न्योता दे दिया, बुला लिया। क्या बात है, क्या बात है जी। इसी पर है वीडियो, आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। मगर अब दिल्ली से एक चार्टर्ड प्लेन भेजा जाएगा। और बड़ी खबर, मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड होगी। 4 जुलाई शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। मरीन ड्राइव और वांखेड़े में विक्ट्री परेड होगी। BCCI सचिव जय शाह ने लोगों को परेड में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, ACC का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ कप्तानी की जंग चलती रही, फैंस उसके ऊपर आंसू बहाते रहे और टीम इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो कप्तानी की जंग छोड़ के वो वर्ल्ड कप जीत के आंसू बहाते रहे। हम लोग यहाँ बारबाडोस के अंदर स्टक हो चुके हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक चार्टर फ्लाइट जो है वो मंगवाई जा रही है कि उसके ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम का जो जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, और अगर कोई ऐसा जहाज़ हुआ जिसमें इंडियन मीडिया भी, अगर उसको भी कैरी किया जाता है तो इंडियन मीडिया को भी कैरी किया जाएगा। वुड यू से के कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ही हैज़ हैड ऑन द गेम और जो इम्पैक्ट उनका रहा है और जितना इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से गेम की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, वो जो सीने पे लगा हुआ अपने मुल्क का जो बैज है उसकी ऑनर के लिए खेलता है, वो खेलता है जीतने के लिए, वो खेलता है चैंपियंस बनने के लिए। रोहित शर्मा जैसा क्लास लीडर है और एक जगह हम हैं जहाँ हमारे सिस्टम के अंदर गंदे अंडे पाए जाते। अब इंडिया ने रूटीन में ऐसे बंदे पैदा किए, ऐसे क्रिकेटर पैदा किए जिनकी फॉलोइंग मैच स्केल की थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 29 जून को खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर स्वदेश लौट रही है। लगभग 3 दिन बारबाडोस में तूफान में फंसे रहने के बाद टीम इंडिया BCCI के चार्टर्ड एयर इंडिया फ्लाइट से बारबाडोस से रवाना हो चुकी है। इससे पहले भारतीय टीम के स्वैग से स्वागत की तैयारियां भारत में हो चुकी हैं। स्वदेश लौटने के बाद टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। वर्ल्ड चैंपियंस की वापसी से पहले BCCI के सचिव जय शाह ने भारतीय फैंस को टीम इंडिया के स्वैग से स्वागत के लिए जश्न का न्योता दे दिया है। भारतीय टीम के स्वदेश लौटने से पहले भारतीय फैंस को जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर निमंत्रण दिया। BCCI सचिव ने इस पोस्ट में ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया की फोटो और साथ ही उस ओपन बस रोड शो की फोटो शेयर की जब भारत ने 17 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, टीम इंडिया की विश्व कप जीत का सम्मान करने के लिए विजय परेड में हमारे साथ शामिल हो। 4 जुलाई को शाम 5 बजे से मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम में हमारे साथ जश्न मनाने के लिए आए। तमाम की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और हम तमाम लोग यहाँ बारबाडोस के अंदर स्टक हो चुके हैं और इसका सिर्फ अभी ये इंतज़ार किया जा रहा है कि बारबाडोस की हुकूमत कब बारबाडोस का एयरपोर्ट ओपन करती है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जिस चार्टर फ्लाइट की कोशिश की जा रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक चार्टर फ्लाइट जो है वो मंगवाई जा रही है कि उसके ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम का जो जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, और अगर कोई ऐसा जहाज़ हुआ जिसमें इंडियन मीडिया भी, अगर उसको भी कैरी किया जाता है तो इंडियन मीडिया को भी कैरी किया जाएगा। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो भी स्टक हो चुके हैं। इस वक्त हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी, इंडियन जर्नलिस्ट भी, और हमसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो अपडेट्स थी वो ले ली गई हैं और हम तमाम लोग यहाँ बारबाडोस में बैठे हुए हैं। बुनियादी तौर पर आज रात को हम सब की फ़्लाइट्स थी यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम ने दोपहर के टाइम जाना था और हम सब की जो प्राइवेट जो फ़्लाइट्स थी जेट ब्लू एयर से, वो तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। उस एक ही वजह है कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ कप्तानी की जंग चलती रही, फैंस उसके ऊपर आंसू बहाते रहे और टीम इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो कप्तानी की जंग छोड़ के
वो वर्ल्ड कप जीत के आंसू बहाते रहे। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। मैंने राहुल की सुबह स्टोरी को कवर किया, उनकी जर्नी को कवर किया, एक अपने हम्बल वर्ड्स में एक ट्रिब्यूट दिया। उसे मैंने कहा था कि वक्त की सबसे खूबसूरत चीज ही है कि वक्त बदलता है। सो वक्त बिल्कुल खूबसूरत होता है क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, लेकिन वक्त बदलने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान की एग्जिट को अच्छा खासा दिन गुजर चुके हैं, पाकिस्तान को घर गए हुए काफी अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं। छुट्टियां मनाई गई नहीं मनाई गई, उस पर भी बहुत बहस हुई, वो भी साइडलाइन हो गई। लेकिन इस वक्त सर्जरी ना होने को है और सिर्फ महज इस वक्त बातें हैं, और आगे का विजन उतना ही ब्लर्ड है, उतना ही विदाउट एनी क्लैरिटी है जितना आज से 2 महीने पहले था, या आज से 2 साल पहले था, या आज से 4 साल पहले था। सो दैट इज एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। मैंने बोला ना कि मैं आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि विराट को उस लास्ट मोमेंट पे आई वाज स्टैंडिंग देयर इन द ग्राउंड टू विटनेस दैट मोमेंट। लेकिन कभी कभार आई एनवी दैट फीलिंग कि यार हाउ अ टीम कैन बिल्ड अप ऑन प्रिंसिपल्स, वो किस तरह अपने वैल्यूज को ऑनर करते हुए जब वो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये एक स्पोर्ट जरूर है बट ये हमारी जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जब आप अपनी वैल्यूज पे सौदा नहीं करते, आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपनी ऑनेस्टी अपनी डेडिकेशन को अनपैरेलल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं टुवर्ड्स अ गोल, इवेंचुअली आपको जरूर मिलती है। कभी कभार आप चूक जाते हैं। अब आप यही देखिए ना कि वैलिडेशन एक सिल्वर वेयर की वैलिडेशन है ना, वरना तो यही कप्तान यही कोच ने आपको WTC फाइनल खिलवाया अनसक्सेसफुल रहे, यही कप्तान यही कोच ने आपको अनडिफीटेड होके ODI वर्ल्ड कप खिलवाया का फाइनल खिलवाया, नहीं जीत सके, नहीं मिली वो वैलिडेशन। बट एट द एंड ऑफ डे दिस सिल्वर वेयर मैटर्स। सेकंड पे कौन आया किसी को याद नहीं रहा, फर्स्ट पे कौन आया सबके लिए याद रहा। हम बहुत बात करते हैं कि जी हमने भी 2022 का फाइनल खेला था, फाइनल खेला था शायद उस मोमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आगे वो इरेलीवेंट होता है। इंडिया ने खेला नहीं जीता, दो दफा खेला एक दफा भी नहीं, इंडिया ने ODI वर्ल्ड कप फाइनल खेला नहीं जीता इरेलीवेंट, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला जीता रेलिवेंट, नॉट ओनली रेलिवेंट फॉर द करंट मोमेंट बट इट विल बी रेलिवेंट फॉर द मल्टीपल जनरेशन टू कम। कपिल देव ने 83 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 तक कोई और कप नहीं आया, धोनी ने वो जीता, धोनी कैसा किस्मत वाला कप्तान, 7 के बाद 11 के बाद 13 तीनों फॉर्मेट की बैक टू बैक उसने इंडिया के नाम करा दी विद इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद एक तवील 11 साल का इंतजार था, और 11 साल के इंतजार के बाद रोहित शर्मा हु केम एज अ यंग बॉय इन द सेम फॉर्मेट एंड ही इज गोइंग एज अ ग्रोन अप मैन इन द सेम फॉर्मेट, he came as a young boy with a trophy in his hand, he's living as a young man with a trophy in his hand, so life comes back in full circle for Rohit Sharma. bahut kuch seekhne ko hai Savera India ke vision se, team India ke vision se. aap dekhiye team India agle mahine Zimbabwe ja rahi hai, ek naye kaptan ko leke ek nayi shuruaat kar rahi hai. Rahul Dravid ne exit karte hue bola ki team ko banne mein 2 saal lagte hain, 2 saal pehle jab 3 saal pehle aaye the to us waqt ke छोटी 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 चौपन चेंजेस करते रहे, गलतियां हुई दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे गए, फिर सही किया, फिर गलतियां आइडेंटिफाई की, फिर दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे गए, स्क्रैप किया, देन मूव फॉरवर्ड, और इवेंचुअली केम टू अ पॉइंट वेयर दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देम, एवरीथिंग बिकम्स इररिलेवेंट, रिवर्स स्विंग की एलिगेशन हो। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। बाहर BCCI ने विक्ट्री परेड के लिए 4 जून शाम का टाइम रखा है और पूरे भारतीयों को उसमें शामिल होने की एक खुली दावत दे दी है, तो बहुत बड़ा मजमा दिखने वाला है हमें और लाखों लोग वहां पे आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो, क्योंकि ये विक्ट्री पूरे भारत की विक्ट्री है और वो भारतीय उसको सेलिब्रेट ना करें, आज 3 दिन हो चुके हैं लेकिन वो सेलिब्रेशन कम होने का नाम नहीं ले रही, आज भी हर तरफ अगर चर्चे हैं तो वर्ल्ड कप की जीत गई है, तो क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त है BCCI और जय शाह का भी इस जो जीत है उसमें बड़ा किरदार है, क्योंकि वो एक लीडर है और लीडर अपनी टीम को
इस तरह से लेकर चला है, तो वो कमाल का एक माइंडसेट लेकर चला है जय शाह भी। और देखिए जिस तरह से उसने खिलाड़ियों को नवाजा है, ये पूरी दुनिया शॉक हो गई है कि 125 करोड़ बीसीसीआई दे रहा है। मिलियनेयर जो भारतीय हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो अलग ऐलान कर रहे हैं बड़े बड़े रुपए। और तो वो जो क्या कहते हैं कि उन पर मेहरबान हो गई है लक्ष्मी हर तरफ से भारतीय प्लेयर्स पर, तो उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं जी। और सबसे बड़ी चीज जो उनको मिलने वाली है वो भारतीयों फैंस की तरफ से जो इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, वो इस परेड में जब वो देखने को मिलेगा, जब वो अगर उनके लिए अगर किसी बस का इंतजाम किया जाए, वो रोड पे अगर उनको निकाले, तो क्या ही मंजर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें कि वो कैसे कहते हैं कि भाई जश्न की तैयारी हो, तो वो जब अब जश्न होगा तो भाई वो दुनिया देखेगी कि भाई इंडिया ने जो T20 का कप जीता है, तो भारतीयों ने, इंडियन अवाम ने जो है उनको कैसे सेलिब्रेट किया है, कैसे जश्न मनाया है, उनकी कैसे उनको वेलकम किया है जब उनकी टीम वापस आई है। तो यही चीज है कि भाई यही प्यार होता है कि जब जो फैन होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि जब वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया की टीम अब जीत चुकी है, तो अब जब टीम वापस आएगी तो फैन बताएंगे कि भाई वो प्यार कितना करते हैं और किस तरीके से उनको वार्म वेलकम करते हैं। और ऊपर से जय शाह ने भाई, तो उनके पास भाई पैसा है, वो ये क्या इससे भी ज्यादा भी दे सकते हैं। और जब वो भारतीय टीम भारत आएगी, जो कंपनियां वो पता नहीं कितना कितना नाम उनको देंगी, भाई ये तो बाल की बात है, लेकिन जो जश्न है वो देखने वाला होगा भाई, जब उन सब भारतीयों को इनवाइट किया है वहां पे, तो भाई जो फैंस हैं वो वहां पे आएंगे और बताएंगे कि वो भाई अपनी टीम से कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल जी, अमरीश पुरी का जो डायलॉग है, जश्न हो, तो भाई वो जय शाह ने भी कह दिया है कि भाई भारतीय टीम आ रही है, तो भाई सारे भारतीय आए इकट्ठे हो जाए, क्योंकि जश्न होगा और शानदार जश्न होगा और इस चीज को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। और इस चीज के ऊपर जो है ना जीत जो है, इसको हमेशा याद रखने के लिए इसके ऊपर जो जश्न मनाया जाएगा, जो परेड की जाएगी, वो भी हमेशा लोगों को याद रहेगी कि भाई इंडियन टीम जो है उसको किस तरीके से उसका वार्म वेलकम किया गया और वो कब जीत कर आई, उसने अपने हिंदुस्तानियों को जो खुशियां दी हैं, तो अपनी टीम को खुश करने के लिए जय शाह बहुत कुछ कर रहे हैं और जो हिंदुस्तानी बिजनेसमैन है वो भी उनके ऊपर लक्ष्मी की बरसात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी करनी भी चाहिए, उनका बनता है, बनना है, उनका रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जब वो इतना पैसा कमाते हैं आईपीएल से और अपने टूर्नामेंट से, और जितनी उनकी मैच फीस होती है वो भी उनके लिए कम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़े इनामात का ऐलान किया जा रहा है। आई होप सो ये जबरदस्त सा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।